हेलो, वेलकम टू फूड एक्सपेरिमेंट। मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं फूड एक्सपेरिमेंट विद सहर, मेरा यूट्यूब चैनल। और आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और मेरी फेवरेट चिकन स्टू। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से झटपट से बनने वाली है। तो चलें फिर मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है चिकन, मैंने 1 किलो के करीब ये चिकन लिया है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बोटियाँ नहीं रखी हैं, थोड़े सी नॉर्मल साइज़ की रखी हैं, बहुत छोटी भी नहीं की हैं, नॉर्मल साइज़ की हमने बोटियाँ ले ली हैं। उसके साथ मैंने ली हैं 3 बड़े साइज़ की प्याज। प्याज मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ, तो ये मैंने ले ली है प्याज, एक बाउल के अंदर है, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं इतनी है, ठीक है। साथ में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये मैंने यहाँ रख लिया है। साथ में मैंने थोड़ी सी ली है अदरक, इसको मैंने काट के यहाँ पे रख लिया है। उसके साथ हमें चाहिए हरी मिर्चें, मैंने इस तरह से कट करके रख ली है। अगर आपको गार्निशिंग में थोड़ी सी साबुत डालनी है तो आप डाल सकते हैं एंड में, इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पे साथ रख ली है। उसके साथ में हमें चाहिए साबुत मिर्चें, ये मैंने 12 से 15 ली थी, इनको मैंने कट करके ना इस तरह करके रख दिया है। इसके साथ में मैंने लिया है 3 टेबल स्पून साबुत धनिया, इसको मैंने क्रश कर लिया है, तो ये मैंने 3 टेबल स्पून ले लिया है। इसके साथ मैंने लिया है नमक एज पर योर टेस्ट। साथ में मैंने 1 टीस्पून हल्दी लिया है और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। आप चाहें तो सारा गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे घर में ज़रा सारा गरम मसाला ज़्यादा अच्छा नहीं, पसंद नहीं किया जाता, तो मैंने ज़ीरा और काली मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है। बीच में एक आध लौंग डाल दिया, बस मैं यही डालूंगी। और साथ में हमें चाहिए टमाटर, 5 से 6 मैंने इस तरह से दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं इसकी। ऑयल जितना हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, मैं 1 से 1.5 कप ऑयल लूंगी। तो चलते हैं अब हम इसकी तैयारी की तरफ। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, बिल्कुल काली नहीं करनी है, लाइट ब्राउन तक हम इसको फ्राई करेंगे। ओके, प्याज को हमने इतना ही ब्राउन करना है। अब इस सारी प्याज को मैं बाहर निकाल के एक बाउल में डालूंगी। ये देखें, इतनी प्याज होनी चाहिए ब्राउन, इससे ज़्यादा हमने ब्लैक नहीं करनी। ये प्याज आ गई है सारी बाहर, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, दोबारा से अब मैं ऑयल का चूल्हा जलाऊंगी और इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी। ये आ गया सारा इसमें लहसुन और इसके साथ ही मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी। और इसके अंदर अब जाएगा नमक, हल्दी और गरम मसाला। अब इन सब चीज़ों को ना मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट मैं इसको फ्राई करूंगी लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। ओके, 10 मिनट्स में ये अच्छा सा फ्राई हो गया है और हाफ कुक ये तकरीबन हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये जो मैंने प्याज ब्राउन करके निकाली थी ना, ये प्याज मैं इसमें वापस डाल दूंगी। उसके साथ ही इसमें जाएंगे ये टमाटर और उसके साथ जाएगा ये कुटा हुआ धनिया। और ये साबुत मिर्ची, इन शॉर्ट सब कुछ ही चला जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने हरी मिर्चें काटी हुई हैं ये भी चली जाएंगी इसमें। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। चलिए, ये हो गया है अच्छे से मिक्स, ठीक है। अब इसके बाद ना ये एक तो हरी मिर्चें ना साबुत में इसमें डाल दूंगी, बड़ी अच्छी लुक आएगी। अब जो टमाटर में से पानी निकलेगा ना, ये चिकन बाकी उसमें गलेगा। आंच मैं हल्की कर दूंगी और नीचे ना एक रख दूंगी तवा, इसको हम दम पे रख देंगे और फिर ये 10-15 मिनट दम पे रखा रहेगा, टमाटर का पानी अच्छे से निकल जाएगा और ये गोश्त फिर रेडी होगा। अच्छा, तवा मैंने रख दिया है तो अब इसको मैं कर दूंगी कवर। अब ये हम 10 मिनट के बाद खोलेंगे और इंशाल्लाह ये रेडी। ओके, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट तक ये पका है और गोश्त ये गल गया है, मैंने चेक किया है। आप ये देखें इसकी कितनी अच्छी लुक आ रही है। थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर अभी पानी है, हल्का सा बिल्कुल ना टमाटर का, और ये साथ में ऑयल भी है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे ना इसको बिल्कुल भून के इसको ड्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसा ही रखूँगी क्योंकि जब हम खाते हैं ना तो बीच में कहीं कहीं थोड़ी सी जो ग्रेवी आती है वो अच्छी लगती है क्योंकि फिर खाया जाता है,
बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो फिर वो खाया नहीं जाता। तो बस अब ये हो गया है रेडी, इसको अब हम किसी सर्विंग बाउल में निकालेंगे और फिर हम इसको खाएंगे। तो ये हो गया है रेडी, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताएं कि ये कैसी बनी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी सब वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।